So good morning and Jai Hind class 8 student. This is Sri Ram Public School online classes and today topic is for class 8 creating tables using design view. And past days you already studied about you creating table using data sheet view, but today topic is creating table using design view. So let's start how to creating table using design view. In this method, a table's structure is created first. इस method में हम पहले क्या करते हैं, table के structure को पहले create करते हैं. You need to define field name. पहले आपको जरूरत पड़ती है define करने की field name एंड देयर डाटा टाइप्स, और उसके डाटा टाइप्स को डिफाइन पहले किया जाता है. टाइप बिफोर एक्चुअली क्रिएटिंग ए टेबल, टेबल बनाने के पहले ये सब डिजाइन कर लिया जाता है. सो द स्टेप इज, स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन क्रिएट टेबल एंड फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप क्लिक ऑन टेबल डिजाइन ऑप्शन. ए ब्लैंक टेबल स्ट्रक्चर विल ओपन इन डिजाइन व्यू. A design view is divided into two sections, that is field grid area and field properties area. What is the, we divided design view into two sections, field grid area and field properties area. Field grid area is used to specify the field name. क्या बताने के लिए फील्ड ग्रिड एरिया को क्या यूज करते हैं, इज यूज टू स्पेसिफाई द फील्ड नेम एंड इट्स डाटा टाइप. फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया इज यूज टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच फील्ड. ये क्या बताता है, फील्ड प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच फील्ड. Step second, click in the field name column and enter the field name. Click in the field name column and enter the field name. Field name पे कॉलम पे क्लिक करेंगे और फील्ड का नेम डाल देंगे या फीड कर देंगे. So this is the image, data type, number, and this is the data type, and you can just put your requirement here. Field grid area, this is the field grid area, field properties area. After this process, so this is the grid, field grid area, this one, and this one is field properties area. Understood? Next point means we need to open next page. So let's see. Okay. No. Okay, this one. So this is the next process. Step 3. Click in the data type column and choose the suitable data type for that field. Step 3. Click in the data type that is present in the image column and choose the suitable data type for that field. Step 4. Repeat the above process to add rest of table field. उस process को फिर से repeat करेंगे और जो भी बचा हुआ टेबल के फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फिल कर देंगे. स्टेप 5. वंस फिनिश विद द प्रोसेस ऑफ द डिफाइनिंग टेबल फील्ड, सेव योर टेबल एंड गिव इट ए सुटेबल नेम. फिर उसको हम सेव करेंगे और एक सुटेबल नेम दे देंगे. नेक्स्ट इज प्राइमरी की. व्हाट इज प्राइमरी की? ए टेबल शुड हैव एट लीस्ट वन फील्ड. एक टेबल का क्या होना चाहिए, एक फील्ड होना जरूर चाहिए. एक टेबल शुड हैव ए लिस्ट वन फील्ड.
डैट हैज़ ए यूनिक वैल्यू, जिसका एक यूनिक वैल्यू हो, सबसे अलग हो, यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड, प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक वैल्यू हो। दिस फील्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी की, इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की ऑफ द टेबल, टेबल का प्राइमरी की कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ए स्कूल डाटा बेस द रोल नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट इक्वली आइडेंटिफाई द ईच स्टूडेंट, डेट मीन्स जो क्लास में जो बच्चों का जो रोल नंबर होता है वह उस क्लास के स्टूडेंट को डिफाइन करता है और वह यूनिक होता है। टू स्टूडेंट कैन हैव द सेम नेम, दो बच्चों का एक ही नेम हो सकता है, बट दे कैन नेवर हैव द सेम रोल, सो सेम रोल नंबर, लेकिन उनका रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। सो द रोल नंबर फील्ड इज द प्राइमरी की, इसलिए रोल नंबर का जो फील्ड होगा वह प्राइमरी की होता है। तो प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज, प्राइमरी की अलाउ नहीं करती। तो प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज, प्राइमरी की जो होता है वह उसकी वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। ये प्राइमरी की मस्ट ऑलवेज हैव ए यूनिक वैल्यू, और प्राइमरी की जो वैल्यू होगी वह यूनिक होती है या होनी चाहिए। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। When you create a new table using table design, Access is not going to give you an automatic ID column like how they do when you start a database from scratch. So in order to have a primary key that's unique, you're going to need to set up a primary key field. So to do this, first of all, we're going to create our new table. So click on Create. And then click on Table Design, and we're going to have a new table. Notice how we don't have an ID as our first field name. So as our first field name, we could put ID if we wanted. If you want to be more specific, you could put customer ID, client ID, I could do work contact ID if you wanted to be a little bit more specific. For data type, you're going to want to choose auto number, and this will assign a unique number to every single record. And then to set as a primary key, we're going to go ahead and right click on the left area and click primary key, and that will set the primary key for that field in our new table.